और क्या आप जानते हैं कि हम भारतीयों की दरअसल जो पूरी फितरत है, हम भारतीयों की फितरत रहती है कि हम किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये लोग मानने लगे हैं कि अगर कोई मुसीबत में हो तो भारतीय कहीं पर भी हो उसकी मदद के लिए हाथ ज़रूर बढ़ाते हैं। अब तक हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते थे वो हम आपको देश भर के तमाम हिस्सों से दिखाते थे और हम आपको ये दिखाते रहे कि देश के तमाम हिस्सों में किस तरह से लोग निकल रहे हैं और जो संकट में लोग हैं कोरोना संकट के चलते उनकी मदद कर रहे हैं। आज हम आपको अमेरिका से ऐसी कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। जी हाँ, अमेरिका वो देश है जो दुनिया में इस वक्त कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन अमेरिका में भी जो भारतवंशी हैं वो लगातार वहां पर मदद कर रहे हैं ताकि अमेरिका में न सिर्फ भारतवंशी बल्कि जो अमेरिकी लोग भी संकट में फंसे हैं, जो अमेरिकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी सेवा का काम लगातार भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सेवा इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि सेवा इंटरनेशनल अमेरिका में किस तरह से दुनिया भर की मदद के लिए आगे आया है। पूरा विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा है। हर देश की सरकार और स्थानीय लोग संकट की इस घड़ी में मजबूती के साथ इस समस्या से निपटने के लिए खड़े हैं। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका में भारतवंशियों की एक बड़ी तादाद है। भारतवंशियों की मदद सेवा इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं कर रही हैं। ये संस्था सभी की मदद के लिए उनके साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद कर रही है। COVID-19 pandemic has spread across the US. Thousands have tested positive, hundreds are dying daily. Our community faces various non-medical challenges, emotional afflictions, family emergencies, financial difficulties, children's education, etc. Truly, we live in an uncertain, uneasy world. People need reassurance and help. Many of you are working hard by serving the community directly. The problem is gigantic, and no one organization can do this alone. Seva International is reaching out to you so that we can stand together in solidarity and channel our resources collectively. अमेरिका में काम कर रही भारतवंशियों ने एक संकल्प पत्र भी साइन किया है जिसमें संयम, सहकार और सहयोग की प्रतिबद्धता है। ये संस्था पुलिस की भी मदद कर रही है, इसीलिए अमेरिकी पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से भारतवंशियों की सेवा संस्था की तारीफ की है। इस समय कई संस्था भारतीय कौंसुल आवास को मदद कर रही है। हम सब लोगों के साथ मिलके एक संयोग के सहयोग के साथ इस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सेवा इंटरनेशनल यूएसए एक कदम आगे बढ़ के आया है, हमारे साथ सहयोग कर रहा है। उनके सहायता से हम लोगों ने काफी लोगों को मदद पहुंचाई है। हाल ही में कुछ भारत से लोग यहाँ न्यूयॉर्क में फ्लाइट्स के बंद हो जाने के कारण से मुश्किल में थे, उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं, सेवा के साथ अभी भी कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों में स्टेट्स में हम सेवा के साथ कार्य कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवार घर पर ही मास्क तैयार कर रहे हैं। बच्चे भी माता पिता की मदद मास्क बनाने में कर रहे हैं और फिर उन लोगों तक ये मास्क पहुंचा दिए जाते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है। We are putting some stuff like mask and gloves which are ready to be used by the doctors and the clinics here. So we are loading this car right now and hopefully with these efforts we would be able to help the local community here in Texas with fighting the COVID spread. अमेरिका में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में भारतवंशियों की ये मदद की पहल मानवता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज़।